हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं एक स्टूडियो की तरह। एक ऐप है मेरे पास जो बहुत ही प्यारा ऐप है, उस ऐप का नाम है बैंड लैब। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे उस ऐप की वजह से या ऐप के ज़रिए आप गाने को एडिट करके अच्छा कर सकते हो और कैसे गाना गाकर मतलब उसे और भी फॉर्म में कर सकते हो, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स हैं, एडिटिंग है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, बीट्स डाल सकते हो आप। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं आज के लेसन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हाँ सबसे पहले प्ले स्टोर खोल लेते हैं। प्ले स्टोर में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये मेरा प्ले स्टोर है और ये खुलेगा और इस पर मैं आपको दिखा देता हूँ बैंड लैब। ये देखिए शुरू में ही आ गया है, तो मैंने इसको इंस्टॉल पहले से ही कर रखा है। आप चाहे तो कर सकते हैं, आप इसकी रेटिंग भी चेक कर सकते हैं और 1 मिलियन लोगों ने इसको मतलब डाउनलोड कर रखा है। सबसे अच्छी बात इस बैंड लैब की कि इसको जो सिंगर्स लोग होते हैं वही इसको मतलब इंस्टॉल करते हैं या उनके ही फ़ोन में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा ये। तो अब मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए बताता हूँ इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसे ओपन कर लीजिए। तो देखिए जब आप इसको खोलेंगे तो ऐसा कुछ फेस खुल कर आएगा। उसके बाद आप क्या करना है, आपको अपना नेट ऑन रखना है इस पर। अगर आपके पास नेट नहीं भी है तो भी चलेगा, पर हो सके तो नेट ऑन रखना। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले न्यू बैंड, ये देखो सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये न्यू बैंड का है। यहाँ पर अगर आप कोई बैंड यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने कोई सा बैंड ले लिया है, जैसे एक मेरा बैंड था हार्फ नाम का, HARF, तो उसी नाम का मैंने इसे क्लिक किया। तो ये मेरा बैंड है और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे इसमें इनवाइट फ्रेंड करने हैं या नहीं करने हैं। जैसे इसमें आप फ्रेंड को इनवाइट भी कर सकते हैं या शेयर करना है किसी को, ठीक है। और अपडेट बैंड और ये इनवाइट का ऑप्शन है यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है। तो ये सारे के सारे आप फोटो भी डाल सकते हैं, वीडियोज़ भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं किसी को। तो ये था पहला बैंड का, ये हो गया आपको क्लियर। सेकंड आता है न्यू कलेक्शन, जैसे आपने कोई कलेक्शन वगैरह कर रखा है या बना रखा है कोई कुछ भी, तो उसके लिए ये। तो इसका मेरे को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किया, या मेरे को ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा है कि अगर आप कोई गाना वाना गाना चाहते हैं उसका आपने कलेक्शन बनाया है तो आप इसमें आप सेव कर सकते हैं इस टाइप में, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब आते हैं हम थर्ड पे, थर्ड पे गिव अ शॉट। आई थिंक ये वीडियो बनाने का कुछ है, वीडियो बनाने का कुछ ऐप है, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, या आप कर सकते हैं, आप इसमें भी वीडियो बना सकते हैं। अब जो मेन आता है वो आता है स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। देखिए तो कुछ ऐसा फेस खुल कर आएगा उसके अंदर। अब सबसे पहले है इम्पोर्ट ट्रैक, हाँ ये है इम्पोर्ट ट्रैक इस टाइप में, तो आपको ये दिख रहा होगा। मैंने ये इम्पोर्ट ट्रैक कहीं से भी, आप जहाँ पर भी आपने सॉन्ग रखे होंगे वहाँ से आप ले सकते हैं, ओके। तो दूसरा आता है वॉइस माइक, जिस पे आप सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो अभी मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि वो मेन है। अब रहा गिटार के बारे में, तो अगर आपके पास गिटार है, आप गिटार प्ले करते हो, तो पहले आप गिटार की साउंड इसके अंदर, ये देखिए मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बार, तो ऐसा कुछ इंटरफेस निकल कर आएगा। तो इसके अंदर आप क्लिक कर लेंगे तो इसमें आप अपनी गिटार की साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद अपना ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अलग से। तो बाद में हम देखेंगे इसको, अभी मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ, इसको बैक कर लेता हूँ, मैं फिर से इसके अंदर आ जाता हूँ। तो ये इसलिए था कि पहले गिटार को कर लीजिए आप रिकॉर्ड, फिर उसके बाद अपना जो वॉइस है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप बेस गिटार प्ले करते हैं तो उसके लिए ये है। अगर आप लूपर वगैरह, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको कोई ड्रम सेट प्ले करना है, लूप प्ले करना है, तो आप प्ले कर सकते हो। जैसे अगर आप ड्रम, ये यहाँ पर साउंड्स भी आ जाएंगी सारी की सारी, आप कौन सा साउंड्स प्ले करना चाहते हैं, ये देखिए इस टाइप में कुछ साउंड्स हैं इसके अंदर, वो आप प्ले कर सकते हो, ये देखिए ये प्ले हो रहा है। तो ये डार्क हिप हॉप, तो इसके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, रॉक है इसके अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर, जैसे ये लूपर था, लूपर में आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं,
ये जैसे रॉक वर्जन है और ये पॉप वर्जन, इलेक्ट्रिक वर्जन, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, तो सब सब इसके अंदर मिलेगा। अब आते हैं हमारे में इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स तो सब एक तरह से ये सब चीज़ है, इसके अंदर आप सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये कुछ हार्ड नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ये कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास वो आप रिकॉर्ड करने के लिए है ये। या आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा इसके अंदर। तो ये इंस्ट्रूमेंट इसके लिए था। अब आते हैं जो हम फाइल लिए थे, ये रहा वॉइस माइक। तो मैं फिर से आपको एक बार बैक करके फिर बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। हमने बैंड लैब गए, बैंड लैब में हमें स्टार्ट प्रोजेक्ट पे जाना है। स्टार्ट प्रोजेक्ट पे हमें वॉइस माइक पे जाना है करना है, और यहाँ पर आपको साउंड रिकॉर्ड करना है। अभी मेरी साउंड रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टाइप में साउंड रिकॉर्ड नहीं होती। तो देखिए रिट्राई का आपका बार बार ऑप्शन आ रहा है, तो मैं बाद में आपको ये बताऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। तो यहाँ से आप ये जो रेड बटन दिख रहा है आपको, यहाँ से आप वो कर सकते हैं रिकॉर्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करके यहाँ ये आप एफएक्स देख रहे हैं, एफएक्स पे आप अपने ये फिल्टर्स डाल सकते हैं कि कैसे आपको वॉइस रखनी है अपनी। तो ये फिल्टर्स है, तो वापस आ जाएंगे। अब ये ऑटो पिच है, ऑटो पिच कैसे रखनी है, हाई रखनी है, लाइट रखनी है, मीडियम रखनी है, या ऑफ कर देनी है, आपको जैसा अच्छा लगता है। उसके बाद साइड में आप कर सकते हैं, ये देखिए ये साइड में ऐसा आएगा। इसको आप आवाज़ को, वॉइस को बढ़ा सकते हैं। ये एल और आर दिख रहा है, अगर एल की साइड करेंगे तो वॉइस आपकी वो रहेगी सिंपल, और अगर आप आर की साइड बढ़ा देंगे तो थोड़ा कुछ हार्ड टाइप में आपको सुनाई देगा। तो ये था। अब सिंपल मैंने एफएक्स भी बता दिया, मेन एफएक्स ही है। इसके बाद आप जब साउंड रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आप ये ट्रैक इंपोर्ट कर सकते हैं। ये पहला ट्रैक है, दूसरा ट्रैक आप इसमें से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑडियो इंपोर्ट करनी है, वॉइस माइक इंपोर्ट करना है, या कोई इंस्ट्रूमेंट या लूपर आपको कुछ करना है, और उसके आप कितने भी आप इसमें वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर अब क्या आता है, ये मेट्रोनोम है, मेट्रोनोम भी आप देख सकते हैं। तो ये अभी शायद प्ले ना हो। अब क्या करना है, आप सेटिंग पे जाकर आप टेम्पो भी बढ़ा सकते हैं, मेट्रोनोम का वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं अगर आप मेट्रोनोम यूज़ कर रहे हैं। अगर की है, मान के चलिए आपने गाना गाया है, वो आपका सी मेजर लग रहा है, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उस टाइप में कुछ भी कर सकते हैं आप इसके साथ। अब आता है सेव का, ये मैं आपको बता दूँ सेव का। तो यहाँ पर ये जो क्लाउड टाइप में दिख रहा है आपका, ऊपर की साइड निशान एरो दिखाई दे रहा है, इस पे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करने जाएगा, जैसे आप इस पे आएंगे, अभी नहीं होगा क्योंकि मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओ सॉरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर प्राइवेट सेव और एक पब्लिश सेव बताएगा, तो आप उसको प्राइवेट सेव कर लेंगे। प्राइवेट सेव करने के बाद आप क्या करें, फिर से बैक आ जाएंगे, डिस्कार्ड करके, मैंने ये डिस्कार्ड कर दिया। बैक आए, बैक में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका ये जो फीड दिख रहा है, फीड के साइड में आपको ये तीन एरो दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आना है लाइब्रेरी पे। लाइब्रेरी पे आए तो मैंने आपको दिखाया था कि ये मैंने दो तीन गाने रिकॉर्ड कर रखे हैं, जैसे कि ये एक मैं सुना भी देता हूँ आपको, इस टाइप में देखिए। इस टाइप में मैंने ये रिकॉर्ड कर रखा है, तो ये रिकॉर्ड है। अब इस पे क्या करना है, व्यू डिटेल्स पे जाना है। ये व्यू डिटेल्स आप देख रहे हैं, इस पे जाने के बाद आप ऊपर में देखेंगे थ्री ये डॉट्स, ये ऊपर में आपको थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्सप्लोर ऑडियो, एक्सपोर्ट ऑडियो करा एक बार, तो यहाँ सबका बता देगा कि किस किस को आप शेयर करना चाहते हो। अब ये शेयर टू ड्राइव, इस पे क्लिक करेंगे आप शेयर टू ड्राइव पे, यहाँ शेयर टू ड्राइव पे करा और सेव कर दिया। ओके, अगर आप किसी को व्हाट्सएप में शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आ जाएगा, या किसी और चीज़ में शेयर करना चाहते हैं तो उसमें भी। मैंने सेव टू ड्राइव पे करा, अब मैं बैक आ जाता हूँ सेव टू ड्राइव से। अब मैं सिंपल सा उसे ढूंढता हूँ, ये जो ड्राइव है, ड्राइव को ढूंढा मैंने, ये ड्राइव खोला, ड्राइव में आपकी वीडियो आ जाएगी, देखिए ये आ गई। इसको एक बार ये नेट से ही चलेगा, नेट ऑन करोगे तो आप ऐसा, ये देखिए ये आपकी अपलोड हो रही है, अपलोडिंग हो रही है, मतलब आपका सेव हो रहा है एक तरह से, ये आपकी फाइल में आ जाएगी, आप फाइल में जाकर ढूंढ सकते हैं इस टाइप में, कोई सी वीडियो या ऑडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए सेव हो गई है, ये आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपको देखना हो सकते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, बहुत ही आसान है। और अभी अभी मैंने ज़रा ज़रा जो करा है वो यहाँ पर आया है, ये देखिए
इस टाइप में आप कहीं पे भी ढूंढ कर आप ला सकते हैं कि कैसे वो आया है। तो ये मेन थी ट्रिक आपकी, आप कर सकते हैं कैसे भी, ये नॉर्मल सी चीज़ है, तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इस लेसन में, और बाकी कुछ है नहीं। अगर आपको देखना चाहते हैं और कुछ भी वीडियो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट करिए और मुझसे बताइए कि क्या समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे इसके अंदर बहुत कुछ समझ आ चुका है और मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे इसको अच्छी तरह यूज़ किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में। अगर आपको ये लेसन या ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।